नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप सभी का ये वीडियो में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने बूटस्ट्रैप के कुछ बेसिक टैग्स देखे, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर देखा अपन ने। उसमें अपन ने देखा कि मतलब कौन से टैग का यूज़ क्या होता है, उसका पर्पस क्या है और ये वेब पेज में अपन कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये अपन ने देखा लास्ट लेक्चर में। तो ये लेक्चर में अपन ये देखने वाले हैं कि जो बूटस्ट्रैप का फर्स्ट वेब पेज है वो डिज़ाइन करने के लिए आपको बेसिक टैग क्या लगेंगे और HTML5 क्या रहता है, फिर बाद में डॉक टाइप का कंसेप्ट क्या रहता है इसमें, वो सारा चीज़ अपन ये वीडियो में देखने वाले। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहूंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले अपन। बूटस्ट्रैप फॉर यूजर्स HTML एलिमेंट्स एंड CSS प्रॉपर्टीज दैट रिक्वायर द HTML5 डॉक टाइप ऑलवेज इंक्लूड द HTML5 डॉक टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ द पेज। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि बूटस्ट्रैप 4 जो आया है लेटेस्ट अभी दोस्तों, तो इसमें क्या यूज किया है, मतलब आपको जो बूटस्ट्रैप 4 यूज करना है डिजाइन पर्पस के हिसाब से, तो इसमें आपको HTML एलिमेंट्स एंड CSS प्रॉपर्टीज मस्ट मतलब आपको यूज करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि HTML के अंदर ही दोस्तों बूटस्ट्रैप आता है। और जो CSS प्रॉपर्टीज रहती है डिजाइन के हिसाब से, जो CSS3 भी है, CSS भी है नया, तो अपन मतलब ये आगे चल के देखेंगे। तो ये जो रहता है HTML और CSS, इसकी जो एलिमेंट्स रहते हैं और CSS की जो प्रॉपर्टीज रहती है, वो आपको मतलब इसमें यूज करना जरूरी है दोस्तों। और इसका जो HTML5 का जो डॉक टाइप रहता है, तो वो डॉक टाइप मतलब ये देखो आप प्रोग्राम में देख रहे होंगे, अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये जो रहता है ये डॉक टाइप, ये मतलब HTML5 का एक कंसेप्ट है। जब आप HTML5 शुरू करते हो स्टार्टिंग, मतलब जब आप HTML5 में वेब पेज बनाते हो, तो ये डॉक टाइप यहाँ पे ये टैग के अंदर डालना मस्ट रहता है दोस्तों। फिर बाद में आता है अलॉन्ग विद द लाइंग एट्रीब्यूट एंड करेक्ट कैरेक्टर सेट। मतलब जब आप ये डालोगे तो यहाँ पे आपको HTML के अंदर एक लैंग, जिसको लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये लैंग्वेज के हिसाब से आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पेस्ट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना पड़ता है। फिर बाद में हेड टैग के अंदर आप आपके लिंक्स जो रहती है, स्टाइल शीट जो रहती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल जो रहती है वो डाल सकते हो। इसमें आप अलग अलग तरीके से मेटा टैग जो रहते हैं वो डाल सकते हो, अलग अलग कीवर्ड्स डाल सकते हो इसके अंदर, अलग अलग डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो इसके अंदर। फिर बाद में जो वेब पेज बनेगा आपका, वो इसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो रहेगा आपका ब्राउजर पे, ये एग्जीक्यूट होगा, ये रन होगा। जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों अपना, वो है कि बूटस्ट्रैप 4 इज मोबाइल फर्स्ट। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि बूटस्ट्रैप 4 जो आया है ना मार्केट में, वो उसका जो मेन फर्स्ट अप्रोच रहा है वो है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मतलब जब आप मोबाइल में आपकी वेबसाइट ओपन करते हो तो वो मोबाइल के स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट होती है, जब आप टैबलेट में ओपन करते हो तो टैबलेट के स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट होती है, जब आप लैपटॉप पे ओपन करते हो तो लैपटॉप के स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से वो एडजस्ट करती है, जब आप डेस्कटॉप पे ओपन करते हो तो डेस्कटॉप के स्क्रीन की रिजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। तो इसका जो बूटस्ट्रैप 4 का जो मेन फोकस जो रहा है वो रहा है कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। बूटस्ट्रैप 4 डिजाइन टू बी रिस्पॉन्सिव टू मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल फर्स्ट स्टाइल्स आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क टू इंश्योर प्रॉपर रेंडरिंग एंड टच जूमिंग, एड द फॉलोइंग मेटा टैग इनसाइड द हेड एलिमेंट। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि जो बूटस्ट्रैप 4 आया है तो वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पे एक टैग यूज किया है दोस्तों, यहाँ पे जो रहता है मेटा टैग। तो मेटा टैग के अंदर इन्होंने क्या डाला है कि अपन ये टैग देखते हैं, मेटा टैग के अंदर इन्होंने नेम दिया है, नेम देके यहाँ पे व्यू पोर्ट एक नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कंटेंट में विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1। मतलब ये इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जब आप आपकी वेबसाइट मोबाइल में ओपन करोगे तो मोबाइल की विड्थ के हिसाब से आपके टैबलेट के विड्थ के हिसाब से, लैपटॉप के विड्थ के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। मतलब आपका जो कंटेंट रहेगा दोस्तों, जो इमेजेस रहेंगी, जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी, ये विड्थ के हिसाब से ये टोटली एडजस्ट हो जाएंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन दोस्तों। द विड्थ डिवाइस द विड्थ इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ पार्ट सेट्स द विड्थ ऑफ द रेंज ऑफ द पेज सॉरी टू फॉलो द स्क्रीन विड्थ ऑफ द डिवाइस। मतलब इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों कि जो आप आपका जो मोबाइल रहेगा, आप
आपका जो लैपटॉप रहेगा, आपका जो डेस्कटॉप रहेगा, तो वो उसकी जो स्क्रीन रहेंगे, तो वो स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से आपकी वेबसाइट वेब पेज में सॉरी डिवाइस में एडजस्ट हो जाएंगी। ये इसका मीनिंग रहता है दोस्तों। यहाँ पे जो सेकंड डेफिनेशन है वो देखते हैं अपन। द इनिशियल स्केल इक्वल टू वन पार्ट सेट्स द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउजर। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जो इनिशियल स्केल जो रहती है यहाँ पे, जो देखो जो इनिशियल स्केल दी यहाँ पे, तो वो जो रहती है वो क्या रहता है कि पार्ट द इनिशियल जूम लेवल, मतलब एक लेवल रहती है इनिशियल जूम की। जब मतलब आपको तो जूम के लेवल्स पता ही होगा, वन रहता है, टू रहता है, थ्री रहता है, फोर रहता है। तो ये जो फर्स्ट इनिशियल स्केल यहाँ पे यूज की है, तो जब आप वेबसाइट जूम भी करते हो तो आपकी वेबसाइट जो रहेंगी, वो कंटेंट जो रहेगा वेबसाइट का, वो बाहर नहीं जाएगा, वो वेबसाइट के अंदर ही स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से वो स्क्रीन में ही जूम होगा, स्क्रीन में ही आपको दिखेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे इनिशियल स्केल यहाँ पे यूज किया है। फिर बाद में जो बूटस्ट्रैप आता है दोस्तों, बूटस्ट्रैप यूज करने मतलब जो बॉडी टैग में आप यूज करते हो, तो बॉडी टैग में जाने के बाद में जब आप आपको अगर कुछ डिजाइनिंग करनी, तो आपको फर्स्ट जो रहता है वो क्लास रहता है, तो वो क्लास आप ड्यू में डालते हो। तो वो ड्यू में जब आप क्लास डालते हो, तो यहाँ पे जो कंटेनर रहता है वो आपको मस्ट मतलब मस्ट डिफाइन करना ही पड़ता है दोस्तों। तो अलग अलग कंटेनर के टाइप्स भी रहते हैं, तो अपन ये आगे चल के डीप में भी देखेंगे। मैं आपको इसके अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं कंटेनर के, जो कंटेनर फ्लूड भी रहता है, कंटेनर भी रहता है, उसके दो टाइप्स है, इसकी डेफिनेशन अपन पहले देखते हैं। और आगे चल के मैं आपको इसमें डीप में जो कंटेनर्स रहता है उसका मेन यूज क्या रहता है, उसका पर्पस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब ये आप सीएसएस में इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, वो सारा पार्ट मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। बूटस्ट्रैप फोर ऑल्सो रिक्वायर्स अ कंटेनिंग एलिमेंट टू रैप साइट कंटेंट्स। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जब आप बूटस्ट्रैप फोर, मतलब ये क्या है, बूटस्ट्रैप फोर जरूरी है कंटेनिंग एलिमेंट टू रैप साइट एलिमेंट्स, मतलब जो आपके कंटेंट रहते हैं वेबसाइट में से, तो वो कंटेनर में मतलब वेब पेज में उस हिसाब से दिखने चाहिए जैसे वेबसाइट में दिखते हैं, तो उस हिसाब से ये कंटेनर क्लास यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो टाइप से कंटेनर के, द डॉट कंटेनर क्लास है, मतलब जो आप क्लासेस सॉरी जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स आती है सीडीएन फाइल्स, तो उसमें जो कंटेनर की कोडिंग की है ऑलरेडी, तो आपको मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली ड्यू में क्लास डालिए, कंटेनर यूज़ कीजिए, और डायरेक्टली आपके कंटेनर की जो साइज रहेंगी वो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। फिर बाद में दूसरा जो रहता है वो कंटेनर फ्लूड रहता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंटेनर फ्लू क्लास क्लास प्रोवाइड्स अ फुल विड्थ कंटेनर स्पैनिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। मतलब इसका मीनिंग क्या रहता है, जब आप कंटेनर फ्लूड यूज करते हो, तो ये आपके वेबसाइट में फुल विड्थ कंटेनर के हिसाब से डिफाइन होगा। मतलब आप जब कंटेंट वगैरह डालते हो, तो इसमें जरा भी मार्जिन कम नहीं होंगे, मतलब जो आपकी वेबसाइट का वेब पेज रहेगा, तो वो डायरेक्टली स्टार्टिंग से लेके मतलब जो उसकी लेफ्ट विड्थ रहेंगी, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, मतलब जो विड्थ रहती है लेफ्ट टू राइट, तो उसमें वो जो स्पेसिंग आती है कंटेनर जब आप यूज करते हो, जस्ट जहाँ पे आप कंटेनर यूज करते हो, वहाँ पे जो लेफ्ट साइड में रहता है वहाँ पे 15 की मार्जिन छूट जाती है, फिर बाद में राइट में 15 की मार्जिन छूट जाती है, और जो बीच में का पोर्शन रहता है वो आपका वेब पेज का पोर्शन रहता है, ये रहता है कंटेनर। और कंटेनर फ्लूड में क्या होता है दोस्तों, कि कंटेनर फ्लूड में फुल विड्थ में आपकी वेबसाइट का कंटेंट शो करता है, ये मेन डिफरेंस रहता है कंटेनर और कंटेनर फ्लूड का। तो चलो दोस्तों आगे हम इसका प्रोग्राम्स वगैरह जो रहेंगे, कंटेनर फ्लूड का एक प्रोग्राम है, कंटेनर का एक प्रोग्राम है, मैं आगे चल के वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आगे चल के ये जो कंटेनर रहता है इसमें डीप में मतलब क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या है कंटेनर के, उसके क्लासेस वगैरह कैसे रहते हैं, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं आपके वेब पेज में, वो सारा चीज़ मैं आगे चल के इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।